तहसील थाना में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के क्या? मैं आज थाना रिदौली में आया था संपूर्ण समाधान दिवस में। पहले समाधान दिवस का सभी एप्लीकेशन का हमने देखा है, यहाँ अच्छा डिस्पोजल है। यहाँ पे तहसीलदार साहब और SPRA साहब और CO साहब और SHO सब लोग मौजूद और लेखपाल लोग भी बहुत मौजूद था और कई एप्लीकेशन आई थी। यहाँ पे मौके पर कई एप्लीकेशन निस्तारण भी कराया हम लोगों ने और कुछ एप्लीकेशन के लिए टीम गठित किया है, उसका आज शाम को और 11 दिन के अंदर सभी उसको डिस्पोजल करेंगे। और बहुत एप्लीकेशन आ रहे हैं यहाँ पे समाधान दिवस का। मैंने SHO का निर्देश दिया है, जो भी जमीन संबंधी विवाद एप्लीकेशन है उसका सब भूमि विवाद रजिस्ट्री में एंट्री करेंगे और समाधान रजिस्ट्री में एंट्री करेंगे और उसको जॉइंटली टीम भेज के उसके निस्तारण तुरंत कराएंगे। उसके अलावा थाना परिसर का सबको भ्रमण कराया हूँ और थाना का रजिस्टर का भी अवलोकन किया हूँ, सबको चेक किया हूँ, उस पर रजिस्ट्री में अपडेटेड है। और कुछ इंसिडेंट्स के बारे में मैंने SHO के निर्देश किया है, उसका सबको एनालाइज करेंगे, CO और SPRA के भी। उस पर जो शॉर्ट एक्सेस एक्ट और NDPS का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा लिखा है, उस मुकदमा में जो सम्मिलित लोग हैं उनका पूरा बारे में जांच करने के लिए मैंने निर्देश दिया हूँ, आजकल क्या कर रहा है और उन लोग अभी जमानत पर है क्या है और उन लोग लगातार कितना साल से उसमें उस दंडा में सम्मिलित है, उसका जांच करके उनका रिहेबिलिटेशन के भी उन लोग कोशिश करेंगे और जो आदमी मानते रहे उनके लिए सख्ती से सख्ती कानून कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे और उनका प्रॉपर्टी वगैरह जब्त करेंगे, जो अपराध करते जो प्रॉपर्टी अर्जित किया है उसको सब जब्ती करने के लिए कार्रवाई करने के लिए SPRA और CO सबको निर्देश दिया।